हेलो चिल्ड्रेन, वेलकम बैक। आज स्टार्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 से। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ हिंदू अरेबिक न्यूमरल। यहाँ रोमन न्यूमरल्स हमें दिए हुए हैं, इनको हिंदू अरेबिक न्यूमरल में हमें कन्वर्ट करना है। सो स्टार्ट करते हैं। यहाँ जो भी सिंबल्स हमें दिए हुए हैं उनकी वैल्यूज़ को हम ऐड करते जाएंगे। तो सबसे पहले है एक्स, एक्स वी आई आई, एक्स मीन्स 10 प्लस 10, वी आई आई मीन्स 7 इज इक्वल टू 10 प्लस 10 20 प्लस 7 27। नाउ एक्स 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 आई वी, एक्स की वैल्यू है 10, सो 10 प्लस 10 प्लस 10 एंड आई वी इज इक्वल टू 4, 10 प्लस 10 प्लस 10 30 प्लस 4 34। एक्स एल वी, एक्स एल वी है, इट मीन्स एल में से एक्स को माइनस करेंगे। एक्स में एल ऐड नहीं होगा, एल में से एक्स माइनस होगा। सो एल की वैल्यू है 50, एक्स की वैल्यू है 10, 50 माइनस 10 एंड प्लस वी इज इक्वल टू 40 प्लस 5 इज इक्वल टू 40। Now L I V, L means 50 and I V means 4, value हो गई 54। L X X I V, L means 50, X X means 10 plus 10, I V का मतलब 4, so 50 plus 10 60, 60 plus 10 70, 70 plus 4 74। नाउ एक्स सी आई, एक्स की वैल्यू कम है, सी की वैल्यू ज़्यादा है। एक्स में सी ऐड नहीं होगा बल्कि सी में से एक्स माइनस होगा। तो सी की वैल्यू है 100, एक्स की वैल्यू है 10, तो 100 माइनस 10 प्लस 1, तो 100 माइनस 10 इज इक्वल टू 90 एंड प्लस 1 वैल्यू हो जाएगी 91। नेक्स्ट इज एक्स सी, अगेन सी में से एक्स को माइनस करेंगे, 100 माइनस 10 प्लस वी आई का मतलब 6, सो 100 माइनस 10 90 प्लस 6 इज इक्वल टू 96। नाउ सी एक्स आई, सी की वैल्यू 100 प्लस एक्स की वैल्यू 10 प्लस I की वैल्यू 1 इज इक्वल टू 111। नाउ नेक्स्ट इज C L I V, C की वैल्यू 100, L की वैल्यू 50, I V 4, तो वैल्यू हो जाएगी 100 प्लस 50 150, 150 प्लस 4 150। C C X X I V, C की वैल्यू 100, अगेन C प्लस 100, X 10, अगेन X 10 एंड I V 4 इज इक्वल टू 100 प्लस 100 200, 10 एंड 10 20 प्लस 4 इज इक्वल टू 220। C C C, इट मीन्स 100 प्लस 100 प्लस 100, ओके, देन L, L मीन्स 50, देन X, X मीन्स 10 एंड V मीन्स 5, सो 100 100 100 300, 50 प्लस 10 60 प्लस 5, 300 प्लस 60 प्लस 5 इज इक्वल टू 365। सी डी एक्स आई वी, सी डी, इट मीन्स सी से डी की वैल्यू बड़ी है, तो पहले लिखेंगे डी की वैल्यू 500, सी की वैल्यू माइनस होगी 100 प्लस 10 एंड प्लस 4, 500 माइनस 100 400 प्लस 10 प्लस 4 इज इक्वल टू 414।
Now next is CDLXIV. CD means again 500 minus 100. D की वैल्यू ज़्यादा है, C की वैल्यू कम है, इट मीन्स C D में से माइनस होगा. तो 500 माइनस 100 प्लस L की वैल्यू 50 प्लस X की वैल्यू 10, IV की वैल्यू 4. 500 माइनस 100 इज इक्वल टू 400, 50 प्लस 10 60 एंड 4. टोटल वैल्यू हो जाएगी 464. नाउ डी वी आई, डी की वैल्यू 500 एंड वी आई की वैल्यू 6, तो टोटल वैल्यू इज 506. नाउ डी सी सी एल एक्स वी आई, डी की वैल्यू 500, सी की वैल्यू 100, अगेन सी 100, देन एल 50, देन एक्स 10, देन वी आई 6, इज इक्वल टू 500 प्लस 100 600, 50 प्लस 10 500 प्लस 100 प्लस 100 700, 50 प्लस 10 60 एंड 6 766. ओके, तो जब बड़े नंबर हमारे पास होंगे तब हम हर न्यूमरल की वैल्यू को यहाँ पर अलग से लिख के ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी उसमें जिसके अकॉर्डिंग जो न्यूमरल दिए हैं उसके अकॉर्डिंग जो भी होना होगा ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे और फिर उनको ऐड करके हम उसकी वैल्यू लिखेंगे. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, शो ईच ऑफ द फॉलोइंग इज मीनिंगलेस, गिव रीज़न इन ईच केस. अब जो नीचे कुछ रोमन न्यूमरल्स दिए हुए हैं हमें बताना है कि ये मीनिंगलेस हैं और क्यों मीनिंगलेस है, ये हमें रीज़न उसका साथ में देना है. नाउ हेयर आर द न्यूमरल्स और हमें बताना है कि ये क्यों मीनिंगलेस हैं. तो जितने भी रूल्स हमने पीछे पढ़े थे उनको ध्यान में रख के हमें इनके रीज़न बताने हैं. फर्स्ट इज वी सी, तो वी जो है कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होता है इसलिए ये मीनिंगलेस है, बिकॉज वी इज नेवर सब्ट्रैक्टेड. सेकेंड है आई एल, आई एल तो आई जो है वो एल में से कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होता है, बिकॉज आई कैन नॉट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एल. द थर्ड इज वी वी आई एन आई, इसमें क्या रीज़न है, वी यहाँ टू टाइम्स लिखा हुआ है जबकि जो रूल्स दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग वी रिपीट नहीं होता है. सो बिकॉज वी इज नेवर रिपीटेड. एंड थर्ड इज आई एक्स एंड एक्स, यानी 9 एंड 10, तो आई एक्स जो है कभी भी एक्स में से माइनस नहीं होगा, बिकॉज आई एक्स कैन नॉट बी राइट बिफोर एक्स. ओके, तो आज हमारी ये एक्सरसाइज 1G भी कंप्लीट हो गई है. नेक्स्ट वीडियो में हम जो मैं एक्सरसाइज दी हुई है 1H जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए हैं उसको हम स्टार्ट करेंगे. तब तक के लिए बाय बाय.